हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। हम जा रहे हैं देवी जी के दर्शन करने। फिर रात के बजे 11:15 पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाए। आप मिलते हैं, बीच बीच में कुछ शॉट्स मिले तो अच्छा है, ड्रोन शॉट्स भी ट्राई करेंगे एंड आपको बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्लेस है। मैं अभी ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गया हम लोग जा रहे हैं, पूरा ग्रुप रहता है। सो अभी टेम्पो ट्रैवलर बुक किया है, उसी से जाएंगे। आगे के डिटेल्स आगे दे दूंगा, कैसे पहुंचना है, क्या पहुंचना है, वो सब डिटेल्स मैं आपको उधर पहुंचने के बाद देता हूँ। सो मिलते हैं और नाइट जर्नी हम लोग एंजॉय करते हैं, आप भी जुड़े रहिए। तो हमने गाड़ी की पूजा, सो दैट हमारा सफ़र जो है वो अच्छे से चले, अच्छे से हो जाए। सो बस नारियल चढ़ाए और हम निकल गए आगे की तरफ। टोल रोड आया, सो टोल भरा कुछ 240 के अराउंड। अभी के बच गए 2, कुछ एक ब्रेक ले लें, चाय नाश्ता करते फिर आगे बढ़ते। फिलहाल हम लोग एक कसारा के इधर, कसारा घाट के नीचे। सो आगे बढ़ के चेक करते, टाइम लगेगा शायद 4 बजे तक पहुँचने का कोशिश करेंगे। 70 किलोमीटर की दूरी तय करने का कुछ तो रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो बस यही सोच के हम रुक चुके थे कसारा घाट के नीचे की तरफ एंड कॉफ़ी की चुस्की लगाई और आगे का सफ़र शुरू कर दिया। फिर हम पहुंच गए थे सप्तशृंगी माता के पार्किंग एरिया में। सो ये पार्किंग एरिया माउंटेंस के नीचे बेस्ड है। फिर आपको बस पकड़ के आगे जाना होता है। काफ़ी अच्छा सफ़र था, काफ़ी सिस्टमेटिकली सब प्लान होता है, आगे भी काफ़ी अच्छा है सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड फिर ऊपर पहुँचते कुछ ऐसे नज़ारे थे, कुछ बज चुके थे 5:45 AM एंड हम लोग फिर शुरू कर देते। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वर्णी में, जो कि नासिक से 60 किलोमीटर पे लोकेटेड है और यहाँ पे है सप्तशृंगी माता का मंदिर। आपको बाद में ड्रोन शॉट्स भी लेंगे, तभी मैं आपको बता दो सब क्लियर भी होगा। फिलहाल तो सुबह के 6 बज गए तो इतना लाइट नहीं है, तो पहले दर्शन कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको सब डिटेल देंगे। ब्लॉग में जुड़े रहिए, लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे आपको काफ़ी मदद होगा अगर आप नवरात्रि में आ रहे हो। तो आपको यहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, थोड़े बहुत सोविनियर्स भी है, गिफ्ट विफ्ट ले सकते हैं। कैसे आना है, क्या आना है वो मैं आपको बता दूँ अभी फिलहाल। तो आपको आपका पार्किंग में, आपको आपका जो भी आपने कार लाया, बाइक लाया, पार्किंग में छोड़ना पड़ता है। वहाँ से आपको बस लेना पड़ता है, हर 2 मिनट में फ्रिक्वेंसी रहेगा। पर एक बस का अच्छा बात है कि आपको स्टैंडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, जितना सीटिंग कैपेसिटी रहेगा उतना ही बैठते। एंड सेकेंडली टिकट आई गेस 25 रुपीज़ समथिंग, इतना याद नहीं, हम लोग कुछ 16 लोग थे, 400 हुआ, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना है। तो अभी अंदर आने के बाद 2 ऑप्शन है, इधर आप स्टेप्स से जा सकते हैं, तो टोटल 510 स्टेप्स है गढ़ जाने के लिए। यहाँ तो आप सीधा रोप पे ले लीजिए एंड रोप पे से जाइए, जिसका टिकट आई गेस कुछ 100 या 110 है। यहाँ पर स्टे के भी ऑप्शन है, पर फिलहाल मैं नहीं बता सकता कि आपको स्टे अलाउड है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी रश रहता है इन दिनों में। एंड देखते हैं, अभी रोप वे का टिकट लेते हैं, आगे का डिटेल्स आपको शेयर करते हैं। एंड अगर हो सके तो मैं अंदर भी व्लॉग ट्राई करूंगा कि आपको मूर्ति का मिल जाए, सो दैट आपको भी वैसे ही अच्छे दर्शन हो जाए। फिलहाल तो सनराइज हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम है। टिकट काउंटर फॉर दी रोप वे, यहाँ से आपको टिकट लेना रहता है। जो देख सकते हैं वो है रोप वे का लाइन, काफ़ी बड़ा है। तो ये जो हॉलवे है यहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिलेगा, अदर साइड पे आपको फूड स्टॉल दे, यहाँ पे आपको बेसिक वड़ा पाव एंड एवरीथिंग मिल जाएगा एंड काफ़ी सिस्टमेटिकल। तो यहाँ से आपको आगे जाना है, फिर यहीं पे एक लाइन है, ये लाइन लगने के बाद आपको आगे रोप वे के लिए। तो ये है एंट्री, आपका टिकट स्कैन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चप्पल स्टैंड, पहले यहाँ पे चप्पल निकलना है, शायद 3 रुपये है एक जोड़ी का एंड फिर वहाँ से जाते आप रोप वे के लिए। तो इधर आपको साड़ी, ओटी, प्रसाद सब मिलेगा, बैंगल्स वगैरह, नारियल, तो आप यहाँ से ले सकते हैं अगर आप भूल गए। ये था ट्रैम जिसमें 50 लोग एट अ टाइम जा सकते हैं, ईच केबिन में 10 लोग रहते हैं, इसके लिए उसी हिसाब से उन्होंने अलॉट किया हुआ है स्पेस। सेकेंडली अगर कोई डिसेबल्ड रहेगा या किसी के किसको व्हील चेयर के इससे आना है तो भी कोई इशू नहीं, यहाँ पर पूरा जो एरिया है वो व्हील चेयर एक्सेसिबल है एंड आपको एलिवेटर्स है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं एंड बाद में आपको एक अलग लाइन से लिया जाता है, क्योंकि डिसेबल्ड हो थोड़ा तकलीफ रहेगा इसके लिए। सप्तशृंगी इसके लिए कहा जाता है क्योंकि शी इज द गॉडेस ऑफ 7 हिल्स, मतलब 7 माउंटेन्स में विराजमान है सप्तशृंगी माता एंड इसको ये 3.5 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। एंड जो 3 शक्तिपीठ है वो है तुलजापुर, कोल्हापुर एंड माहूरगढ़, दैट इज़ रेणुका देवी। एंड यहाँ पे जो सप्तशृंगी माता थी उनका राइट हैंड
का लिम्ब हो चुका था, यहाँ पे गिर चुका था, इसके लिए वो कहा जाता। तो ये था हमारा 17 लोगों का ग्रुप जो कि हम लोग आए थे माता जी के दर्शन। इधर मार्केट है, आप कुछ ले सकते हैं, आपको चाहिए तो। अरे हमारे 3 गधे, 1, 2, 3 ये चौथा जो खुद है जो कैमरा पकड़ा है। हाँ इधर मैं हूँ। तो हम लोग आए थे एक कार हायर करके, तो अगर आपको कार, टेम्पो ट्रैवलर, बस कुछ भी अगर हायर करना रहेगा तो इनको कॉन्टैक्ट कीजिए। दादा तुम तो नाम मंदर मंदर दादा को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगा। बस एंड बाकी का सब व्हीकल अवेलेबल है, जो कुछ डिटेल चाहिए रहेगा डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना, बेस्ट प्राइस तो मिलने वाला है एंड सर्विस में तो कोई नो डाउट सब अच्छा ही है। एंड मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, अगर आप नवरात्रि में आ रहे एंड अगर वो 7 डे है तो आपको काफ़ी रश मिलेगा हर जगह पे, मीन्स आपको दर्शन करने के लिए एटलीस्ट 8 to 10 hours लगेगा, उसके हिसाब से प्लान करना। अगर वो संडे आया तो इस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली वो रखना, पर अगर 7 डे आ रहे हैं एंड संडे आ रहे हैं तो 8 to 9 hours आप एक्सपेक्ट करना, क्योंकि सब जगह पे लाइन रहता है, नीचे से बस पकड़ने से लेकर ऊपर आने तक सब जगह पे आपको रश मिलेगा, तो ये चीज़ का याद रखना। बाकी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ इश्यूज रहेगा, कमेंट करना या तो डायरेक्ट इंस्टा आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी, टिल देन बाय। तो अगर आप बाहर जा रहे हो किधर, कुछ आपको खरीदी करना है, बैग वैग लेना है, तो हमारे दोस्त को कॉन्टेक्ट कीजिए। या ये दूसरी ब्रांच है, आधे तो ओनर है। पैसा।